हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के थर्ड चैप्टर यायावर साम्राज्य के बारे में, है ना। आज इसमें हम लेकर आए हैं इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि हम लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में भी हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, और जैसे बच्चों की डिमांड रही है कि सर जो भी चैप्टर है उस पे जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो बनाइए, तो आप लोगों के सामने सेम उसी चैप्टर के ऊपर यायावर साम्राज्य जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम पूरे बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर जो उस चैप्टर में से थे, और इन क्वेश्चंस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला जो क्वेश्चन है हमारा यायावर साम्राज्य का। यायावर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत को समझाइए, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर है कि यायावर साम्राज्य जो है इसके जानकारी के क्या स्रोत है, इसको समझाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे किताब में पढ़ा होगा, बुक में, कि हर एक साम्राज्य के जानकारी के कोई ना कोई स्रोत सामने हमारे मिलते ही मिलते हैं ना, वैसे ही इसके क्या स्रोत है उसको समझाना है, बताना है। ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है, आपके ज़्यादा ज़्यादा आता है तो शॉर्ट में पूछेगा तो एक आध नंबर में पूछ देगा, एक नंबर, दो नंबर में या तीन नंबर में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। चंगेज खान को किस उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। देखिए, अब इस चैप्टर में ना अधिकतर चंगेज खान के बारे में बात कही गई है, ठीक। उसके बारे में, शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है, उसकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन ये हमारे ये पूछ रहा है कि चंगेज खान को किस उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। अगर ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और भी आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक। किस उपाधि के साथ उसको महानायक घोषित किया गया, यही हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य एशिया के यायावरों को चीन क्यों जाना पड़ा, यानी कि जो मध्य एशिया के यायावर लोग थे, ठीक है, उनको चीन क्यों जाना पड़ गया था, वो कारण हमें यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और वैसे ही मैं आपसे अगेन एंड अगेन यही बोलता हूँ कि जिस तरीके से हम आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं बार बार, हर एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पेपर के जो ट्रम चलते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे मेहनत करते हैं, वैसे ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप अपने डाउट्स या फिर आपकी जो क्वायरी है वो पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। हम उसके ऊपर काम करने के लिए तत्पर हैं हमेशा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बर्बर शब्द से आप क्या समझते हैं, फिर क्या अभिप्राय है, यानी कि जो बर्बर शब्द है इससे इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान दीवार का क्या तात्पर्य है। ये देखिए, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस है जो बनते हैं, ठीक है, कम नंबरों में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसका नंबर लिखना है, ठीक। तो महान दीवार का क्या तात्पर्य है इसका, इसको अर्थ बताना है इसमें आपको, ठीक है। और जैसे मैं अभी भी साइड हो जा रहा हूँ, जैसे हर एक बार में, हर एक वीडियो में करता हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पेपर में नोट डाउन करके, अपने नोटबुक में नोट डाउन करके आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे, और आप पेपर में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप करने के लिए वहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, अगला हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियाँ, याद रखिए सैनिक उपलब्धियाँ क्या है उसको समझाना है, यानी कि चंगेज़ खान जो था, चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी, उसने सैनिकों को ऐसा क्या किया था, फिर किस तरीके से उन पे काबू पाया था, वो बताना है। और यहाँ पे और यानी अथवा लग गया है, अथवा लगने से ये क्वेश्चन जो है किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो देखिए कह रहा है, कुरुलताई से मान्यता मिलने के पश्चात चंगेज़ खान की सैनिक सफलताओं को समझाना है, किससे, कुरुलताई से, यानी कि क्वेश्चन सेम ही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछे या फिर ये पूछे, इन दोनों में से कुछ भी पूछता है, आपको वहाँ पे सैनिक उपलब्धियाँ ही लिख कर आना है, ठीक है। आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी का अगर आंसर आपको जानना हो, या फिर किसी का पॉइंट्स आपको जानने हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके पूछिएगा, या फिर अगर किसी चैप्टर में डाउट है या किसी चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उस पर काम करने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है,
सेवंथ, जिसमें पूछ रहा है मंगोलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है। देखिए पहली बात तो ये जितने क्वेश्चन ने लॉन्ग, यानी कि ये ज़्यादा नंबर में बनने के चांसेस है, तो इसको ज़्यादा नंबर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे प्रिपेयर करिएगा कि आप इनको अगर लॉन्ग में भी करें ना तो नंबर आपका ना कटे, ठीक है। तो देखिए इसको मंगोलों की सामाजिक स्थिति, यानी कि उनकी वहाँ पे सामाजिक स्थिति कैसी थी उसका वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बच्चे अधिकतर समझ नहीं पाते हैं, क्या कह रहा है, यास क्या है, ठीक है, यास का क्या अर्थ है या फिर यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के कारण क्या थे और इसका महत्व बताना है, ठीक है। यानी सबसे पहले यास क्या था ये बताओगे आप, इसके अर्थ में परिवर्तन कैसे आया और इसका महत्व क्या है, ये तीनों बातें एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। ये अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि ये 8 मार्क्स में बनने का चांस रहता है इसका, ठीक है। ये अधिकतर जो है 8 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बनता है, तो इस क्वेश्चन को सही से समझिएगा। सबसे पहले आप बताना है यास क्या है, यास के बाद आप बताओगे कि इसके अर्थ में परिवर्तन कैसे आया और साथ साथ इसका महत्व क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, जो हम कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चंस जो है पूछते ही पूछते हैं, ये मैं आसान तरीके से सरल भाषा में आपके सामने लेकर आया हूँ, पर इसके पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा है मंगोल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, यानी कैसे खत्म हो गया, कैसे समाप्त हो गया मंगोल, उसके कारण बताओ आप, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेंगे, इसको आप लिखोगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है, शॉर्ट को कैसे लिखना है, ठीक है। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि शासक के रूप में चंगेज खान की सैनिक चंगेज खान की उपलब्धियों को समझाइए, यानी कि एक शासक के रूप में चंगेज खान के क्या उपलब्धियां थी इसको समझाना है। देखो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पे भी उपलब्धियां हैं यहाँ पे भी उपलब्धियां हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सैनिक उपलब्धियां हैं, जो सैनिकों के द्वारा वो उपलब्धि पाया था वो है, और ये उपलब्धि चंगेज खान की है। जब वो शासक बना तो शासक बनने के पास कैसे उसने उपलब्धियां, यानी कि कैसे महत्वपूर्ण हो गया, कैसे और ताकतवर हो गया, ठीक है, वो बताना है आपको यहाँ पे। तो ये इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है और लगातार मैं आपके सामने सीरीज लेके आ रहा हूं। अभी भी अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका, तो दोबारा मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेने के बाद इसको अपने आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, बार बार इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, याद करिए। कहते ना कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो जाए, है ना, यानी कि कुछ ना करने से बढ़िया है कि कुछ तो करके आओगे पेपर में अगर इससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो, है ना, कुछ कोर्स छोड़ के आ जाओगे उससे सही कि उसमें कुछ लिख करके आओ, है ना। अब मैं आपको बताऊं तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको करोगे कैसे आप, सबसे पहले 3 नंबर वाला बताता हूं। 3 नंबर वाले में आपको क्या करना है कि सबसे पहले भूमिका लिख देना क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, और भूमिका लिखने के बाद नीचे 3 से 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, क्लोज कर दो वहाँ पे उस क्वेश्चन को, ठीक है। 8 नंबर वाले में क्या करोगे आप, 8 नंबर वाले में आप सबसे पहले भूमिका लिखो, फिर सब पॉइंट्स लिखो, उसको एक्सप्लेन करो और लास्ट में निष्कर्ष लिख करके उस क्वेश्चन को क्लोज करो, ठीक है। 8 नंबर वाले में कम से कम 6 से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट लिखते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हो तो 6 से 7 पॉइंट जरूर लिखना, ताकि आपके कोई भी पॉइंट अगर गलत होता है तो निष्कर्ष में वो मैनेज हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको इन वीडियो से कितना सीखने को मिलता है, कहीं कमी रहती है वहां पे भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आप इस वीडियो का लाभ उठाइए, वीडियो के जरिए साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर उन्होंने भी अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो वो भी इस वीडियो के थ्रू तैयारी कर पाए, ठीक है। थैंक यू।